अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। पावनी और महापी में बीजेपी प्रत्याशी गणेश नाइक की प्रचार रैली, विकास के नाम पर मांगा जनता का समर्थन। भाजपा महायुति के प्रत्याशी गणेश नाइक ने शुक्रवार की सुबह पावनी महापे समेत कई इलाकों में चुनावी रैली निकाली और रथ पर सवार होकर जोरदार प्रचार किया। इसमें भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक संदीप नाइक, दशरथ भगत, नगर सेविका मनीषा भोईर, मधुकर मुकादम समेत सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। पावने गांव में हिंदी भाषी समाज की तरफ से समाज सेवी मार्कंडे हरिओम ने गणेश नाइक का सत्कार किया और जीत के लिए शुभकामनाएं दी। यहां नागरिकों को संबोधित करते हुए गणेश नाइक ने झोपड़पट्टी के सर्वांगीण विकास का दावा दोहराया। मैं बोल रहा हूं कि एमआईडीसी में झोपड़पट्टी वालों को बिल्डिंग महाराष्ट्र में बनाने का काम पहले गणेश नाइक और शशिकांत भोईर ने किया। शशिकांत भोईर लगातार मेहनत करते रहा, एमआईडीसी का फाइल इधर उधर लेके जाना। अभी बाकी जो झोपड़पट्टी है उनके लिए भी ऐसी बिल्डिंग बनाने का पक्का इरादा है, जल्दी वो काम बनेगा। यहाँ से चुनके आने का जो रास्ता जनता ने पूरा खुला किया, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, आरपीआई और विविध मित्र पक्षों की जो महायुति है, वह युति का विधायक के तौर पे बनाने के लिए उम्मीदवारी मुझे दी गई है। हालांकि 21 तारीख को आप लोग जो ताकत से मतदान करेंगे, 24 तारीख को रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली 200% गणेश नाईक विधायक बनेगा, उसमें कोई शक नहीं है। माझ्या सामाजिक जीवनाला 50 वर्ष झाले, परंतु या कालखंडामध्ये जे काय घडलं ते सगळं विसरून जाऊन माणुसकी धर्माला ललामूठ ठरेल असं सर्वांना सामावून घेऊन त्यामध्ये धर्म, जात, पंथ, भाषा, वर्ण, वर्ग आणि पक्ष सुद्धा बाजूला सारून या नवीनपैकीतल्या सर्वांनाच विश्वासात घेऊन हे प्रश्न सोडवण्याचा माझा मनोदय आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।